हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग लेकर आई हूँ बिकनी केंद्रसन गोल्डन 3D एक्रेलिक मिरर वॉल स्टिकर का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है 3D मिरर वॉल स्टिकर जो कि मैंने शॉपक्लूज से परचेज किया है। साथ में मैंने दूसरा वॉल स्टिकर भी परचेज किया था गाइस, और जिसका वीडियो एंड रिव्यू मैंने अलग से वीडियो में बनाया है, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस 3D वॉल स्टिकर के साथ मुझे इस तरीके से एक शीट मिलती है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इसको किस तरीके से प्लेस करना है। सो गाइस, इसमें एक गोल्डन सर्कल दिया जाता है और साथ में कुछ गोल्डन फ्लेम्स दिए जाते हैं, और इन सारे स्टिकर्स में ऊपर से एक पॉली बैग की थिन लेयर लगाई जाती है। ये लेयर इसलिए होती है ताकि आपके स्टिकर में कोई भी स्क्रैचेस या कोई भी गंदगी ना बैठे, और पीछे से एक वाइट टेप दी जाती है जिसको रिमूव करते हैं जब हम और अपने वॉल में ये अच्छे से स्टिक हो जाता है। ये देखिए गाइस, और जो ये सर्कल है ये बीचों बीच में लगाया जाता है गाइस, ये सेंटर पार्ट होता है इस स्टिकर का। अब मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमें 12 बिग फ्लेम्स दिए जाते हैं और 12 स्मॉल फ्लेम्स दिए जाते हैं। साथ में हमें अलाइनमेंट स्केल दिया जाता है, इसकी हेल्प से इसका डिज़ाइन बनाया जाता है। ये देखिए, हमें इसको सर्कल के नीचे लगाना है और 2 बिग फ्लेम हमको लेफ्ट एंड राइट में ऐसे लगाने होंगे। ये देखिए, इस तरीके से ऐसा आपको वॉल पर करना होगा गाइस। ये देखिए, और आपको छोटा फ्लेम लेना है जो कि आपको नीचे लगाना है। जब आप वॉल पे इसको स्टिक कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको इसके बाद बीच में से जो अलाइनमेंट स्केल है उसको रिमूव कर देना है गाइस। मैंने एक खासे कैमरा पकड़ा हुआ है मोबाइल अपना, तो इस वजह से मैं इस तरीके से बना रही हूँ क्लिप, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे ही स्टिक हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको वॉल पे करके दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने पहले से ही फ्लेम्स चिपका लिए हैं। आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये मैंने अलाइनमेंट स्केल ऐसे हटाया, फिर मैं साइड में ले गई थोड़ा गैप करके हुए, राउंड में आपको ले जाना है सर्कल में। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको स्केल को हटाएंगी तो इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपका पूरा डिज़ाइन बन जाता है। सो गाइस, सबसे लास्ट स्टेप है, जो भी स्टिकर के ऊपर पॉलीथीन लेयर लगी है आपको इजली इसको रिमूव कर देना है। गाइस, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये स्टेप आपको सबसे लास्ट में करना है ताकि आपके स्टिकर में कोई भी स्क्रैचेस ना पड़े। अब आपको एक साफ़ कपड़ा लेना है और इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। आपके फिंगर से थोड़ी बहुत भी जो गंदगी लगी है, डस्ट लगी है, उसको अच्छे से क्लीन कर देना है। ये देखिए गाइस, ये है इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ये एक मिरर रिफ्लेक्शन का काम करता है, जैसे कि आप जानते हैं एक 3D मिरर वॉल स्टिकर है, तो मैंने इसको अपने रूम पे लगाया है, तो उसके अंदर से आपको सब आराम से दिख रहा होगा। आपको रूम का फ़ैन और लाइट आराम से इसमें नज़र आ रही होंगी। अगर आप अपने रूम को बहुत अच्छा सुंदर बनाना चाहते हैं और क्लासी लुक देना चाहते हैं, तो ज़रूर इस स्टिकर को लगाएं। ये देखिए, मैंने इसको जस्ट अपने TV के जो वॉल है उसके ऊपर लगाया है, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और ये अच्छे से स्टिक हो जाता है, रिमूव भी नहीं होता है गाइस। और मुझे तो ये स्टिकर बहुत पसंद आया है, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।